गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एसजीएम ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोएम मदर एंड द माउस। दिस पोएम इज रिटन बाय फेथ ट्रेक्सन। फेथ ट्रेक्सन वॉज बॉर्न इन मुंबई इंडिया इन 1969। शी इज अ प्रोलिफिक राइटर well known for her humorous poem. She believes that one of the best gifts one can give a child is to help the child develop a love for reading. So we start the poem. Let's start the poem. Read this delightful poem about a child who protects his हर मदर फ्रॉम अ मॉन्स्टर। इस पोएम में बताया गया है, बहुत ही अच्छी पोएम है, यह डिलाइटफुल है, आनंदमय आनंददायक पोएम है। तो यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है इस पोएम में, एक कैरेक्टर है बच्चे का जो कि अपने मदर्स को एक मॉन्स्टर से बचाता है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स क्या है। मॉन्स्टर यानी राक्षस, जो कि अपने बच्चा अपने मॉम को वह मॉन्स्टर से बचाता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वह बच्चा बोलता है, माई मदर इज नॉट, वह जो बच्चा है वह हमें बता रहा है अपने मॉम के क्वालिटीज़ के बारे में, उसकी मॉम कैसी है। माई मदर इज नॉट द शॉर्ट ऑफ मम, शॉर्ट SORT, शॉर्ट मीन्स टाइप काइंड। My mother is not the sort of mom, मेरी मदर उस बाकी मदर की जैसी नहीं है, who will squeal and faint and shiver, जो घबरा जाती है, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है, बेहोश हो जाती है, या फिर जो डर के कारण कांपने लगती है, डर के कारण कांपने लगती है। Shiver means कांपना, faint means बेहोश होना, एड स्क्वेल मीन्स घबराना। मेरी मॉम बाकी मॉम जैसी नहीं है, वो कुछ अलग प्रकार की है, जो घबराती नहीं, डरती नहीं किसी से, किसी भी बात पर वो बेहोश नहीं होती और किसी भी चीज़ से नहीं डरती और कांपती नहीं। डार्कनेस डजंट स्केयर हर, स्केयर मीन्स घबराना, फ्राइटन। डार्कनेस डजंट स्केयर हर, अंधेरे से तो वो तो बिल्कुल ही डरती नहीं, अंधेरा उसे कभी भी डरा नहीं सकता, वह अंधेरे में इधर उधर इजीली जा सकती है। व्हेन इट थंडर्स, थंडर जब लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं, व्हेन इट थंडर्स शी ओंट क्वेर, क्वेर मीन्स कांपना, ट्रेम्बल भी होता है, फिर से शिवर का ही मीनिंग है ये, क्वेर दैट मीन्स कांपना। चाहे कितनी भी बादल गरज ले, कितनी भी बिजलियाँ चमक जाए, कितना भी आवाज़ हो, थंडर्स को भी मेरी मम्मी घबराती नहीं, इनकी आवाज़ों से कांपती भी नहीं। जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें बताया है कि उस बच्चे की जो मॉम है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। व्हेन आई डिसाइडेड टू प्ले अप शी फिक्सेस मी विद अ स्टेयर, स्टेर मीन्स घूरना, स्टेर मीन्स घूरना। व्हेन आई डिसाइडेड टू प्ले अप शी फिक्सेस मी विथ स्टेयर, जब मैं डिसाइड करता हूँ कहीं खेलने जाने के लिए, टू प्ले अप, यदि मॉम की इच्छा ना हो उस समय कि मेरा बच्चा घर के बाहर अभी इस वक्त खेलने ना जाए, लेकिन बच्चा डिसाइड करता है कि नहीं मैं तो खेलने जाऊंगा, लेकिन मॉम उसके तरफ इतना घूर के देखती है कि वह कुछ नहीं कर सकता। वन फ्लैशिंग लुक फ्रॉम हर बिग आइज, वह जो मॉम है उस बच्चे के तरफ, जब बच्चा उन्हें बोलता है कि मॉम मुझे बाहर खेलने जाना है, मैं इधर उधर खेलने जाऊंगा, तो उस समय मॉम उसके तरफ इतना घूर के देखती है, बड़ी बड़ी आँखें करके देखती है। एंड आई जस्ट डोंट केयर टू डेयर, और मैं उसकी अपनी मॉम की आँखें देखकर,
उसका घुरना देखकर, बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैं घबरा जाता हूँ और मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता कि बाहर जाकर खेल सकूँ। यानी यहाँ बता रहा है वो बच्चा बता रहा है कि मेरे मॉम के सिर्फ आँखों से ही मैं डर जाता हूँ, इतनी खतरनाक है उनकी मॉम। वो कुछ बोलती नहीं, बस आंखें दिखाती है, तो बच्चा समझ जाता है कि अब मुझे परमिशन नहीं है, और वो हिम्मत भी नहीं कर सकता कि अपने मम्मी के अपोज में जाकर वो खेलने चले जाए। सो इट वॉज विथ शॉक वन मॉर्निंग। अब ये दोनों पैराग्राफ, दोनों स्टांजा में हमने देखा है कि फर्स्ट स्टांजा में बताया कि उसकी मॉम कितनी बहादुर है, किसी चीज़ से नहीं डरती। दूसरे में दिखाया है, दूसरे स्टांजे में बताया कि मैं अपने मॉम से कितना घबराता हूँ। यानी वो उसने बताया कि मेरे मॉम कितनी दमदार है, बहुत डेंजरस भी है, किसी से घबराती नहीं, और मैं भी अपने मॉम से बहुत घबराता हूँ, डरता हूँ। सो इट वॉज विथ शॉक वन मॉर्निंग। एक दिन तो मुझे शॉक ही लग गया, एक दिन तो मुझे शॉक ही लग गया, धक्का ही लग गया। वेन आई वोक अप फ्रॉम अ ड्रीम, सुबह सुबह का वक्त था जब मैं सपना देख रहा था, उस सपना देखते हुए आधे अधूरे सपने में ही मैं जाग गया। वेन आई वोक अप फ्रॉम अ ड्रीम, जब मैं सुबह सुबह सपना देखते हुए अचानक से उठ गया, तब मैंने जो कुछ देखा वह देखकर मुझे झटका लग गया, शॉक लग गया। टू हियर माई वैलियंट, वैलियंट मीन्स ब्रेव, टू हियर माई वैलियंट माइटी मम, माइटी मम माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग। मैंने अपने ब्रेव मॉम को, स्ट्रॉन्ग मॉम को सुना, चिल्लाते हुए सुना, लेट आउट अ हाई पिच स्क्रीम। जब मैं सुबह सुबह जब सोया हुआ था, मुझे सपना आ रहा था, उस सपने में, आधे अधूरे सपने में मैं जाग गया, और वो जागने की वजह थी उनके मॉम का चिल्लाना। तो उन्हें शॉक लगा कि मेरी मॉम जो किसी चीज़ से घबराती नहीं, वो इतने जो बहादुर है, स्ट्रांग है, ब्रेव है, वह इतने जोर जोर से चिल्ला रही है। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, और उनके चिल्लाने की आवाज़ से ही वह जो बच्चा है वह उठ जाता है, जाग जाता है। आई रेस्ट टू सी हर पर्स्ट अप हाई, और मेरी मॉम को क्या हुआ यह देखने के लिए, वो क्यों चिल्ला रही यह देखने के लिए मैं दौड़ भागा भागा जहाँ मेरी मॉम थी वहाँ पर मैं चले गया। टू सी हर पर्च अप हाई, वहाँ जाने के बाद मैंने क्या देखा, तो मेरी मॉम एक ऊँचे जगह पर जाकर बैठी हुई है। अपॉन द किचन सिंक, किचन सिंक जहाँ पर हम प्लेटें बर्तन धोते हैं वह जगह, तो मैंने देखा किचन में जाने के बाद, तो मेरी मॉम उस किचन सिंक के ऊपर जाकर बैठी हुई है। स्क्वेलिंग लाइक अ बेबी बैट, स्क्वेलिंग लाइक अ बेबी बैट, वह एक बेबी बैट की तरह घबरा रही थी। राइट ऑन द एज द ब्रिंक, वह एक उस जो किचन ओटा बोलते हैं जहाँ पर बर्तन धोने का जो सिंक होता है, वहाँ पर वह एक किनारे पे जाकर बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी दिखाई दे रही थी। आई आस्ट हर व्हाट द मैटर वॉज, मैंने अपने मॉम से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आप इतना चिल्ला रही हो और इस किचन सिंक के ऊपर जाकर आप बैठ गए हो। हैड द प्रेशर कुकर बर्स्ट, क्या प्रेशर कुकर फट गया है, और हैड द ओवन स्क्रॉच हर हैंड, स्क्रॉच्ड दैट मीन्स जलना, क्या इस ओवन से आपका हाथ जल गया है। आई डिड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, मैं तो और इससे ज़्यादा बुरा सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमें फर्स्ट अंजाम में बता दिया है कि उसकी मॉम किसी भी चीज़ से डरती नहीं। शी विम्पर्ड, विम्पर्ड मीन्स मेकिंग अ सीरीज ऑफ लो साउंड्स शोविंग फियर, फुसफुसाना। यानी हम जब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो जो भी हमारे वर्ड्स निकलते हैं मुँह से घबराहट के कारण, जो भी वर्ड्स निकलते हैं उसे बोला जाता है विम्पर्ड। शी विम्पर्ड लाइक अ बेबी, वह छोटे बच्चे की तरह विम्पर्ड कर रही थी,
फुसफुसा रही थी एंड पॉइंटेड टू अ माउस दैट हैड द गाल टेमेरिटी टू एंटर इन टू आर हाउस। और वह घबरा रही थी, फुसफुसा रही थी, और वह अपना जो एक हाथ है जो पॉइंट आउट कर रही थी, यानी मुझे दिखा रही थी कि वह देखो मैं उसके कारण डरी हुई हूँ, वह मैटर है, मेरे यहाँ सिंह के ऊपर चढ़ने का कारण वह है। वो बोल नहीं पा रही थी कि वह कौन है, बस उन्होंने उसके तरफ उंगली की, अपने जो फिंगर्स है फिंगर पॉइंट आउट किया उसके तरफ। और जब उस बच्चे ने देखा उस तरफ तो वहाँ पर एक माउस दिखाई दिया, एक माउस से वह डर रही थी। दैट हैड द गाल, दैट हैड द गाल, गाल मीन्स बोल्ड एंड इंसोलेंट बिहेवियर, बोल्ड यानी साहसी और ढीठ व्यवहार वाला एक माउस उनके घर में घुस गया था, टू एंटर इनटू आर हाउस। बहुत ही बोल्ड यानी साहसी, ऐसे घर में वो घुसा था कि जहाँ की मॉम किसी से डरती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस घर में आ ही गया। और आने के बाद में इतनी जो ब्रेव जो उस बच्चे की मॉम है, वह मॉम उस माउस से डर कर चिल्ला रही थी और एकदम किचन सिंक के ऊपर जाकर बैठी थी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टॉप हियर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पोयम वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।